हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओप्पो F19 Pro Plus या फिर ओप्पो F19 ColorOS 11. कोई भी वर्शन है तो आपको ये फीचर्स मिल जाएगा एंड बहुत ही अच्छे फीचर्स है इसमें। तो चलिए वही फीचर्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले, वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फीचर हम सेटिंग्स में देखेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर सेटिंग्स है तो यहाँ से जा सकते हैं। वैसे ही ऐसे स्वाइप डाउन करता हूँ तो मुझे नोटिफिकेशन बार आता है। यहाँ पर क्विक पैनल्स भी है, यहाँ से भी मैं सेटिंग्स को जा सकता हूँ। तो जब सेटिंग्स पर जाएंगे तो होम स्क्रीन करके है, लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसमें ढेर सारे फीचर्स ओप्पो ने दिया है। तो आपको कैसे इसको सेटअप करना है वो देखिए अभी। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन करके यहाँ पर लिखा गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट सर्च रहेगा। मतलब जैसे अभी आपने देखा कि तो जैसे होम स्क्रीन पर मैं स्वाइप डाउन करता हूँ तो यूजुअली सर्च आएगा, ओप्पो का सर्च है। तो ऐप्स सेटिंग्स कोई भी हो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन का यहीं से पाना चाहते हैं, ना कि यहाँ से ऊपर से हमेशा आपको नीचे लाना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं चाहते हैं, झट से ऐसे करने से नोटिफिकेशन आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेटिंग्स में जाकर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन, तो यहाँ पर आपको बताएगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, तो इस पर टैप करना है आपको एंड नोटिफिकेशन ड्रॉअर करके सेलेक्ट करना है। सबसे पहला फीचर है, बहुत ही अच्छा एंड यूज़फुल है, आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए जहाँ कहीं भी है अपने मोबाइल में ऑपरेट कर, झट से ऐसे स्वाइप डाउन करता हूँ तो नोटिफिकेशन बार आएगा यहाँ पर एंड क्विक पैनल, यहाँ से मैं क्विकली एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छा फीचर है, तो आपको कैसे चाहिए वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दूसरा सेटिंग्स यहीं पर है, राइज टू अवेक, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। राइज टू वेक ये मैं ऑन करके रखा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा। तो आपको अगर पसंद है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको ऑन करके रखिए। राइज टू वेक के बेसिकली क्या है, देखिए अभी मैंने मोबाइल को लॉक किया है राइट, तो जब भी मैं ऐसे उठाता हूँ मोबाइल राइट, देखिए इंस्टेंटली लॉक स्क्रीन ओपन हो गया। तो यहीं से आप इंस्टेंटली मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है राइज टू वेक फीचर। वैसे ही अगला फीचर यहाँ पर डबल टैप टू वेक स्क्रीन है, ये तो पता होगा आपको। तो डबल टैप करता हूँ तो वेक स्क्रीन वेक हो जाएगा, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक शॉर्टकट फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको आप ऑन करके रखिए। वैसे ही यहीं पर और एक फीचर है लॉक स्क्रीन मैगजीन करके। तो लॉक स्क्रीन पर आपको अनोइंग वॉलपेपर्स, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लॉक स्क्रीन पर जो वॉलपेपर्स आता है बार बार वो ओप्पो का वॉलपेपर्स आने लगता है, तो इसको आप डिफ़ॉल्ट ऑफ करके रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑन रहेगा तो आपको क्या करना है, इसको ऑफ करना है। मतलब जो आप वॉलपेपर रखेंगे वहीं वॉलपेपर लॉक स्क्रीन पर रहेगा, ये लॉक स्क्रीन मैगजीन को ऑफ करना है। तो नेक्स्ट वन है आइकॉन पुल डाउन जेस्चर करके है, बहुत ही अच्छा है ये भी फीचर। यहीं पर है आइकॉन पुल डाउन जेस्चर। तो आपने इस फीचर को यूज़ नहीं किया है तो डेफिनेटली इसको ऑन करके अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे आप। तो इसको बेसिकली ऑफ रहेगा, ऑन करना है इसको। ऑन करते ही देखिए आप कहीं पर भी हो स्क्रीन में, एक ही हाथ से अगर मोबाइल को पकड़े है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाकर ऐसे स्वाइप करके पकड़ना है। देखिए मैं ऐसे पकड़ा हूँ तो यहाँ से झट से कोई भी ऐप हो इसके ऊपर अगर मैं जाकर छोड़ता हूँ तो वो ऐप ओपन हो जाएगा। मतलब एक ही हाथ से काम करना है तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर इन्होंने दिया है, दूसरे मोबाइल में आपको ऐसे वाला नहीं मिलेगा। हाँ, वन हैंडेड जेस्चर, वन हैंडेड मोड करके है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग है। देखिए ऐसे स्वाइप करता हूँ कॉर्नर से ऊपर तो कोई भी ऐप को मैं एक ही हाथ से ऐसे झट से ओपन कर सकता हूँ। वीडियो प्लेयर है तो यहाँ पर इंस्टेंटली ओपन हो गया है राइट। तो ऐसे आप ओपन कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को बिना दो हाथ को यूज़ किए। तो एक क्विक फीचर है, आपको इसको एनेबल करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है ऑब्वियसली एंड सेटिंग्स पर आइकॉन पुल डाउन जेस्चर को ऑन करना है। नेक्स्ट वन है सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन। अगर वॉलपेपर्स हो या ड्रॉअर हो, अलग से आप यूज़ करना चाहते हैं, कलर थीम्स हो, वो सारा चीज़ एक ही में इन्होंने डाल दिया है। जैसे कि सेटिंग्स में अगर जाते हैं, पर्सनलाइजेशन में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेगा। ये है ओप्पो का कलर ओएस वर्शन आफ्टर 11.1। देखिए यहाँ पर आइकॉन स्टाइल्स है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आइकॉन स्टाइल्स जैसे आपको चाहिए वैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम लॉन्चर में करते हैं, अलग लॉन्चर अलग थीम्स अलग स्टाइल का अप्लाई करते हैं आइकॉन स्टाइल, तो यहाँ पर ओप्पो ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको मोबाइल में ही दे दिया है। जैसे कि यहाँ पर मटेरियल स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, आइकॉन्स का शेप चेंज करने के लिए पेबल स्टाइल रख सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट कस्टमाइजेशन फीचर है। देखिए एक स्टाइल रख के आप फोरग्राउंड कैसे चाहिए, ऐप का आइकॉन जो लोगो रहता है उसको भी आप स्मॉल या बिग साइज़ कर सकते हैं, आइकॉन साइज़ यहीं से बढ़ा सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं इसको एंड वैसे ही सारा चीज़ ऐसे चेंज करके रख सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऐप का जो नेम है उसको हटा सकते हैं कम्प्लीटली या फिर साइज़ भी लार्ज एंड स्मॉल कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, आप यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते। डिफ़ॉल्ट भी है, मटेरियल स्टाइल है, डिफ़ॉल्ट में भी आप आइकॉन का साइज़ जो है यहीं से लार्ज या स्मॉल करके ऐप नेम जो है वो कम्प्लीटली हटा सकते हैं, वैसे ही लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या फिर स्मॉल फॉन्ट बनाकर रख सकते हैं। वैसे ही नोटिफिकेशन ड्रॉअर में क्या कुछ चाहते हैं आप, उसका स्टाइल कैसा हो, ये जो नोटिफिकेशन ड्रॉअर है तो इसका स्टाइल कैसा हो ये भी आप अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी कैसे होगा, तो शेप स्क्वायर शेप है, वैसे ही राउंड शेप, तो ऐसे नीचे करता हूँ तो यहाँ पर टॉगल में राउंड शेप देखने को मिलेगा, वैसे ही पेपल टाइप का शेप है। तो इन सारे चीज़ का आप कस्टमाइज़ करके, फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी है, तो फिंगरप्रिंट को कैसे दिखाएगा एनिमेशन के यहाँ से, तो देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा इफ़ेक्ट्स है, आप ज़रूर इसको चेंज करके कस्टमाइज़ कीजिए। वैसे ही फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ भी है, तो अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स आप यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं, वैसे ही फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा या छोटा यहाँ से कर सकते हैं, इवन डिस्प्ले साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, कंप्लीट कस्टमाइजेशन ओप्पो F19 प्रो का यहाँ से आप ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक वीडियो ऑलरेडी लंबा होता जा रहा है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, वैसे शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।